हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th अध्याय 7.1 जीरो टू जीनियस क्लास में आप ये देख रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति का है 7.1। एनसीईआरटी का मैथ पढ़ाया जा रहा है कक्षा 10 के लिए। इससे पहले हम 6 प्रश्नावलियों का 6 अध्याय बहुत ही सरलता पूर्वक कर चुके हैं और आज इस 7वें अध्याय में निर्देशांक ज्यामिति में देख रहे हैं। ये प्रश्न संख्या 8 है। इससे पहले हम 7 प्रश्नों का हल बहुत ही अच्छे से प्राप्त कर चुके हैं, 7 प्रश्नों का हल प्राप्त कर चुके हैं और आज आए हैं 8वें प्रश्न पर। तो देखिए 8वें प्रश्न में क्या कहता है। y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। उसने क्या कहा है कि इस y का मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P के निर्देशांक 2-3, Q के निर्देशांक 10y दिए हैं और इनके बीच की दूरी 10 मात्रक दी है। अभी तक आप दूरी फॉर्मूले से, दूरी सूत्र से बीच की दूरी ज्ञात करते थे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। लेकिन अब की बार आपको दो बिंदु दिए गए हैं लेकिन उनके बीच की दूरी दे दी है 10 मात्रक और यहां पे आपसे ज्ञात करवा रहा है वाई का मान। तो आप क्या कहेंगे, उसी प्रकार से हल लिखेंगे और पी व क्यू बराबर दूरी सूत्र लगा देंगे अपना x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र है और यहां पे ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 इस प्रकार से। तो PQ बीच की दूरी कितनी दे दी, 10 मात्रक। तो हम लिखेंगे 10 बराबर, अब इसमें रख देंगे इन सभी का मान, x2 कितना है यहां पे 10, तो रखेंगे 10 माइनस x1 कितना है 2, तो इसका वर्ग कर देंगे। प्लस है बीच में, प्लस लगा देंगे y2 का मान हमारा y है और माइनस, ये यहां पे माइनस है ही और एक ये माइनस 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 हो गया प्लस, प्लस का 3 और इसका स्क्वायर। देखिए क्यों हुआ प्लस, यहां पे y1 का मान माइनस है और एक ये माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस इस प्रकार से। चलिए अब देखते हैं आगे हल। 10 है यहां पे और ये माइनस के 2 हैं तो 10 में से 2 घटाएंगे आएगा हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर और प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। ये किसके स्क्वायर के रूप में दिख रहा है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे और बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे a स्क्वायर यानी के y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी के 3 × 9 और प्लस 2ab 2 × 6 दिखा देंगे, 2 × 3 × y 2ab इस प्रकार से। तो क्या आ गया 10, 8 × 8 = 64, 8 का स्क्वायर है तो आ जाएगा 64 और प्लस y स्क्वायर और 2 × 6 प्लस के 6y और प्लस में 9 इस प्रकार से। अब कितना हो गया 10 बराबर, ये 64 प्लस का 9 प्लस का हो गया 73 और प्लस में y स्क्वायर और प्लस 6y। अब एक लाइन और लिखेंगे, देखिए यहां पर रूट है, यहां पर रूट नहीं है तो इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। तो दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, 10 का भी स्क्वायर बराबर, ये इधर कितना है 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, इसका भी स्क्वायर कर देंगे।
अब इसके स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया और इधर कितना 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 10 दशांश 100 इधर हो जाएगा हमारा 100। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, इधर करके दिखा देंगे कितना आ गया 10 दशांश 100 और बराबर इधर कितना, ये तो रूट हट गया इसके स्क्वायर से, तो आ गया कितना 73 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 6y। तो यहां पे देखिए इसे 100 को इधर ले आएंगे हम तो ये माइनस का हो जाएगा और इसे सही करके लिख लेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और माइनस का हो गया 100 बराबर से इधर आने पर, ये प्लस है इधर आने पर माइनस का हो गया। तो चलिए देख लेते हैं y स्क्वायर प्लस 6y यहां पे कितने बचेंगे माइनस के 27। 73 प्लस का है 100 माइनस के हैं, माइनस के हमारी संख्या ज्यादा है तो जब माइनस के 100 में से प्लस के 73 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 27 और अब ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। तो इसको क्या करेंगे y स्क्वायर प्लस 9y 27 और माइनस के 3y और माइनस के 27 ऐसे। द्विघात समीकरण तो हल करने जानते हो, इससे पहले मैंने द्विघात समीकरण पढ़ा रखी है, पहले हमने द्विघात समीकरण हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है नियम के पहले पद की तीसरे पद में गुणा करते हैं और इस प्रकार की संख्या देखते हैं कि जो जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला अंक प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर पहले और जो तीसरे पद की गुणा करके आया है वो आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 9 + 27 स्क्वायर आ रहा है माइनस का वाई और यहाँ पे देखिए 27 + 27 ये माइनस में जा रहा है तो कंडीशन पूरी हो रही है। अब प्लस का 6y है, 9y हमने प्लस का लिया 3y माइनस का लिया तो प्लस के 9 है माइनस के 3 है प्लस के 6 बच जाएंगे तो ये भी कंडीशन पूरी हो रही है। तो यहां से हम बना लेंगे दो दो के जोड़े। अब यहां पे देखिए यहां y की 2 घात यहां 1 घात, हमेशा छोटी घात कॉमन आती है तो हम ले लेंगे y को कॉमन तो अंदर बचेगा y प्लस 9 और यहां से आ गया माइनस का 3 कॉमन क्योंकि इधर y तो नहीं है और 3 इसलिए लिया है कि 3 अपने आप को भी काट देगा और 27 को भी काट देगा तो अंदर बचा y और ये बाहर माइनस आ गया अंदर का बदल जाएगा चिन्ह और 3 × 27 तो डब्बे हमारे बॉक्स हमारे समान आ गए y + 9 y + 9 तो एक तो बॉक्स बन गया y प्लस 9 का और एक बॉक्स बन गया y माइनस 3 का तो y के हमारे दो मान आएंगे। देखिए कैसे, एक तो y प्लस 9 बराबर 0 करेंगे और y बराबर उधर जाके माइनस का 9। अब दिखाएंगे y माइनस 3 बराबर 0 और ये उधर जाके y बराबर हो गया 3 तो क्या कहेंगे हम y का मान माइनस 9 या 3 है, ये आ गया y का मान। यहां से हमें y का मान चाहिए था तो y का मान ये आ गया। देखिए बड़े ही सरल तरीके से हमने इसको हल कर लिया है। उसने पूछा है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हमें बीच की दूरी का फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है बीच की दूरी अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन बीच की दूरी उसने दे रखी है 10 मात्रक तो यहाँ पे 10 रखेंगे और इधर बीच की दूरी के जो मान है वो रख देंगे। इस प्रकार से हमारे हमें प्राप्त होगा 10 = 73 + y² + 6। तो हमने कहा दोनों ओर का वर्ग करने पर वर्ग कर दिया इसके स्क्वायर से, इसका रूट हट गया इधर 10 का स्क्वायर हो गया तो ये जब खोला तो 10 दशांश 100 और ये खोल के द्विघात समीकरण के रूप में हमने बना लिया। अब यहां से ये बन गई द्विघात, द्विघात को हल करने पर हमें प्राप्त हुआ वाई का मान -9 या 3। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 9। देखिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 9 में क्या कहता है। प्रश्न संख्या 9 में कहता है यदि Q 0, 1 बिंदुओं P के निर्देशांक क्या दिए है 5 - 3 और R X 6 से समदूरस्थ है। ये कहा है कि यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए।
वे दूरियां क्यू आर वे पी आर भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले सम दूरस्थ दिखा देंगे, हम हल लिखेंगे तो दिखाएंगे दूरी सूत्र का प्रयोग। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से किस किस की दूरी दिखा देंगे हम, क्यू पी और क्यू आर सम दूरस्थ हैं तो बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले दिखा रहे हैं हम क्यू आर, क्यू आर के बीच की दूरी। तो आप जानते हो होता क्या है हमारा, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन के होल स्क्वायर से। तो इसको मानेंगे एक्स वन और इसको वाई वन और इसको एक्स टू और इसको वाई टू। तो क्या हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन यानी के एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो QR कितना हो गया, देखिए 0 तो 0 हुआ, ये आ गया x का स्क्वायर और 6 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 5 और 5 का वर्ग 25। तो एक तो आ गया हमारा QR कितना आ गया, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25। अब देखते हैं QP, QP के बीच की दूरी। QP बराबर, इसे भी हम लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से QP चलिए रख देते हैं हम। अब इसको मानेंगे हम X2 और इसको Y2 और ये X1। तो हमारा X2 माइनस X1 यानी के 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर और माइनस तीन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो क्यू पी बराबर अंडर रूट पंजे पंजे 25 हो गया, क्योंकि ये तो माइनस में जीरो है, कोई महत्व नहीं। ये माइनस का तीन और माइनस का एक, माइनस के हो गए चार और चार चौक सोलह, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस में सोलह। अब ये कितना आ गया, क्यू पी बराबर आ गया हमारा रूट इकतालीस। क्यू पी बराबर कितना आ गया, रूट इकतालीस। तो हम अब क्या करेंगे, क्यू पी बराबर क्यू आर, क्यू पी बराबर क्यू आर क्यों करेंगे, क्योंकि सम दूरस्थ हैं। चूंकि सम दूरस्थ हैं, देखिए कहा गया है कि बिंदु क्यू पी क्यू आर से समदूरस्थ हैं, तो ये समदूरस्थ है, हम इनको बराबर दिखाएंगे जब समदूरस्थ है। तो क्यू पी का मान कितना, क्यू आर का कितना आया है, पहले हमारा दिखा देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 25 और बराबर में रूट इकतालीस। क्यू आर का मान ये रख दिया हमने यहाँ पे, इसमें देखिए ये दिखाया है समदूरस्थ है तो इनका मान। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, ये रूट हट जाएगा वर्ग से, वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, चलिए करा देते हैं वर्ग। एक्स स्क्वायर प्लस 25 इसका वर्ग बराबर रूट इकतालीस का वर्ग। अब इसके स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो आ गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 25 और बराबर में इकतालीस। अब यहाँ पे ये 25 प्लस में है, उधर भेज देंगे तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर इकतालीस माइनस 25 और ये एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 16 के, इकतालीस में से 25 घटाएंगे 16 आ गया और 16 किसका वर्ग है, 16 को लिख सकते हैं हम चार का स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया तो एक्स का मान कितना आ गया, चार। तो उसने कहा है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आ गया हमारा चार। लेकिन अभी यहाँ पे पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, यहाँ पर तो सिर्फ एक्स का मान आया है, उसने कहा है क्यू आर व पी आर भी ज्ञात कीजिए। तो हमने क्यू आर, देखिए क्यू आर व पी आर ज्ञात कीजिए, क्यू आर तो हमारा आ रखा है एक्स स्क्वायर प्लस
25 रूट में, और ज्ञात क्या करना है अब हमें, पी आर। तो अब हम कहेंगे पी आर बराबर दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, देखिए उसने क्यू आर और पी आर पूछा है, तो क्यू आर तो आपने शुरू में ज्ञात कर रखा है, ये देखिए यहां से ये है क्यू आर, दिखाई दे रहा है। अब आपको रह गया क्या, पी आर। तो पी आर के लिए कहेंगे दूरी सूत्र से, तो पी आर इसको एक्स वन, इसको वाई वन, इसको एक्स टू और इसको वाई टू, तो पी आर बराबर अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि एक्स माइनस पांच का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, और प्लस लगाएंगे वाई टू माइनस वाई वन, यानी कि छह, ये माइनस है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, छह प्लस तीन का होल स्क्वायर, और पी आर बराबर अंडर रूट ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी, दस एक्स, दो पंजे दस, और ये प्लस नौ, छह और तीन हो गया नौ, और नौ का वर्ग नम नम इक्यासी, इक्यासी हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, पी आर बराबर जो जुड़ रहा है जो वो जोड़ देंगे, जो घट रहा है वो घटा देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25, देखिए 25 प्लस का 81 प्लस के, तो कितना हो गया हमारा 106, तो कहेंगे हम माइनस के 10x, इसको इधर ले आओ, और प्लस में 106, तो ये आ गया हमारा पी आर का मान। उसने कहा है कि दूरियां क्यू आर व पी आर भी ज्ञात कीजिए, तो पी आर कितनी आई है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 106, और क्यू आर कितनी आई है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो यह आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक बार देख लेंगे कि यदि क्यू जीरो वन बिंदुओं पी फाइव माइनस थ्री और आर एक्स छह से समदूरस्थ है, ये जो बिंदु क्यू है इनसे समदूरस्थ, समदूरस्थ है हमारा, ठीक है, इस प्रकार से ये समदूरस्थ है बिंदु, और आपने क्या किया क्यू आर ज्ञात कर लिया, तो आपने दिखाया क्यू आर बराबर पी आर, सॉरी क्यू आर बराबर क्यू पी, समदूरस्थ में मान रख दिया, दोनों ओर का वर्ग किया, स्क्वायर से रूट हट गया, एक्स का मान आ गया चार। अब या तो आप यहां पे चार रख के कर सकते हो हल, एक्स का मान चार रख के दोनों में, अब की बात एक्स का मान कितना आया है हमारा चार, तो यहां पे आप अब जब चार रख दो एक्स की जगह, ठीक है, तो पी आर बराबर, देखिए ये एक्स का मान कितना आया है चार आया है, तो रख देंगे यहां चार चौक 16 और माइनस 10 चौक 40 और प्लस 106, तो पी आर बराबर 16 और ये 40 घटा देंगे हम, देखिए कैसे ये हो गया 122 और माइनस में 40, तो कितना बच गया पी आर बराबर 82, 122 में से 40 घटा देंगे 82, ये आ गया रूट में, पी आर का मान ये आ गया। और क्यू आर में अगर जो हम इसकी जगह क्या रखें चार रख दें, तो चार चौक 16 और 25 41, ये रूट 41 बन जाएगा दोबारा से। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए इस 7.1 7.1 का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, क्या कह रहा है, एक्स व वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करो, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करो कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो।
हमें बताना है कि ये बिंदु इससे और इन बिंदुओं से समदूरस्थ हैं। तो लिखेंगे हल, और हल लिखने के साथ क्या करेंगे, हल लिखने के साथ हम लिखेंगे माना बिंदु P, माना बिंदु P X Y, बिंदुओं बिंदुओं Q 3-6 व R -3-4 से समदूरस्थ है। उसने क्या, हमने क्या माना, देखिए उसने कहा है कि x व y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करो कि बिंदु x y बिंदुओं 3-6 और -3-4 से समदूरस्थ है। तो हमने क्या लिखा है कि माना बिंदु p x y बिंदुओं q, इसके निर्देशांक के माना बिंदु P Q व R से समदूरस्थ है, ये इनके निर्देशांक दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके पहले PQ ज्ञात करेंगे, फिर PR ज्ञात करेंगे और इनको समदूरस्थ दिखा देंगे बराबर करके दोनों को। तो चलिए करते हैं कि PQ, P व Q के बीच की दूरी, दूरी सूत्र से क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से कितना है हमारा, क्या है हमारा दूरी सूत्र, तो पी क्यू बराबर अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। तो यहां पे देखिए पी क्यू दिखा रहे हैं, तो इसको एक्स वन, इसको वाई वन और इसको एक्स टू और इसको वाई टू मान लेंगे। तो रख देंगे सभी मान x2 माइनस x1 यानी कि 3 और माइनस में हमारा x, इसका होल स्क्वायर और प्लस है तो प्लस लगाएंगे, y2, y2 हमारा 6 है और माइनस में हमारा y1 यानी कि y, इसका स्क्वायर। तो चलिए PQ देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ये a और ये b, इसे a मानेंगे इसे b मानेंगे और ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। और आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 3 3 9 और प्लस b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर और माइनस के 2ab, 2ab मतलब के 2 3 6 x, 2ab मैंने ऐसे रख दिया इसे। इसी प्रकार ये करेंगे, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है आपको, तो 6 6 36 a स्क्वायर यानी कि 6 6 36 प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस के 2ab 12y, इस प्रकार से। अब देख लेते हैं कुछ जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे, कुछ घट रहा है तो घटा देंगे। PQ बराबर यहां पे देखिए ये एक्स स्क्वायर है जो का तो रखेंगे, माइनस का 6x है ये जो का तो रखेंगे, माइनस के 12y जो के तो रखेंगे, और यहां पे ये हो गया हमारा 36 प्लस का 9 प्लस का तो हो गए प्लस के 45, तो कितना आ गया PQ का मान, ये आ गया PQ के बीच की दूरी कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 आ गई। अब दिखा देंगे हम किसके बीच की दूरी, अब दिखाएंगे हम QR के बीच की दूरी। तो हम लिखेंगे PR के बीच की दूरी PR के बीच की दूरी, देखिए यहां पे हमने PQ के बीच की दूरी दिखा दी, इसको P और Q, अब दिखाएंगे PR के बीच की दूरी। तो PR के बीच की दूरी के लिए भी दूरी सूत्र यही रहेगा, तो PR बराबर अंडर रूट सभी का मान रख देंगे, इसको मानेंगे X2, इसको मानेंगे Y2 और ये X1 और ये Y1, तो क्या करेंगे X2 माइनस X1 यानी कि माइनस 3 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस लगाएंगे वाई टू माइनस वाई वन यानी के 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर
अब कितना हो गया, पी आर बराबर 3 × 3 = 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 हो गया, और ये कितना हमारा प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस का ये है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में 6x। इस प्रकार से अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 4 × 16 और ये प्लस में y स्क्वायर और माइनस में 8y। अब यहां पे देखिए जरा, इसको जैसे हमने इसको थोड़ा सही करके लिखा है, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे, पी आर बराबर अंडर रूट, देखिए जो जुड़ रहा है उसे जोड़ देंगे, जो घटेगा उसे घटा देंगे, सही कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के, चलिए ऐसे पहले इसके साथ एक्स का ही गुणांक लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, अब वाई को लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 8y। अब देखेंगे प्लस के 16 प्लस के 9 हो गए हमारे प्लस 25, ये आ गया। अब दिखाएंगे हम पी क्यू व पी आर समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ हैं, तो ये जब समदूरस्थ हैं तो पी क्यू बराबर पी आर होगा कि नहीं होगा, तो इनको बराबर दिखाएंगे, तो पी क्यू की कितनी वैल्यू आ रही है वो रख देंगे, ये देखिए हमारी पी क्यू की वैल्यू यहां से ये रही, कितनी आ रही है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y और प्लस 45। अरे वाई स्क्वायर लिखना भूल गए क्या हम इसमें, चलिए प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे यहां पे, ये लीजिए वाई स्क्वायर तो लिखना ही भूल गए भाई, इसमें भी वाई स्क्वायर कीजिए, यहां पे पूरे को बदल देंगे, चलिए माइनस के 6x और प्लस के वाई स्क्वायर और माइनस के 12y और प्लस 45, ये आ गया, और इसके बराबर क्या आएगा अब पी आर का मान, ये देखिए यहां पे पी आर का मान कितना आ गया आपका, ये आया है यहां पे, तो रख देंगे पी आर के मान को बराबर में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 8y प्लस 25। अब क्या कहेंगे हम, दोनों ओर का वर्ग करने पर, क्योंकि रूट हट जाएगा, दोनों ओर का वर्ग करने पर, चलिए दोनों ओर का वर्ग कर देते हैं, यहां पर ही कर देंगे दोनों ओर का वर्ग, ये देखिए मैंने नीचे लिख दिया है, तो दोनों ओर का वर्ग करेंगे, इसके स्क्वायर से ये रूट खत्म, इस स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो बच गया क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 12y प्लस के 45 और बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 8y प्लस 25। अब क्या करेंगे, इस पूरे को इधर ले आएंगे, इस पूरे मैटर को इधर ले आएंगे, और बराबर से इधर लाने पर हमारे क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, जो प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। चलिए ये तो अपनी जगह स्थिर रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 12y प्लस 45। ले आइए इधर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस का वाई स्क्वायर प्लस के 8y और माइनस के 25। जो प्लस था वो माइनस हो गया और जो माइनस था वो प्लस हो गया। अब देखेंगे जो कट रहा है वो काट देंगे, ये माइनस का एक्स स्क्वायर ये प्लस का एक्स स्क्वायर आपस में कट गया, ये प्लस का वाई स्क्वायर ये माइनस का वाई स्क्वायर ये भी आपस में कट गया। अब देख लेते हैं माइनस के 6x माइनस के 6x माइनस के हो गए 12x,
अब y देखेंगे, माइनस के 12y प्लस के 8y, तो बचेंगे माइनस के 4y। अब यहां से देखेंगे माइनस के 25 और प्लस के 45, तो प्लस के बच गए 20, और अब हमने कॉमन ले लिया है इसमें से माइनस का 4 बराबर में 0, तो माइनस का 4 बाहर आते ही 4 थी 12, तो 3x, और ये कितना हो गया प्लस हो गया। अब जब बाहर माइनस ले लिया तो कितना y रह गया यहां पे, और माइनस का हो गया 4 पंजे 20 और बराबर में 0, तो ये 4 तो हो गया 0, तो क्या संबंध आ गया हमारा 3x प्लस वाई माइनस 5, ये है संबंध आपस में। तो क्या संबंध आया हमारा, उसने कहा है कि x व y में संबंध ज्ञात कीजिए, तो x व y में संबंध है 3x प्लस वाई माइनस 5, ये संबंध आ गया। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, x व y में एक संबंध ज्ञात करो, x व y में एक संबंध ज्ञात करो कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3, 6 और माइनस 3, 4 से समदूरस्थ है। हमने कहा माना बिंदु P, ये P के निर्देशांक मान लिए, बिंदु P बिंदुओं 3, 6 और 3, 4 से समदूरस्थ है। तो हमने सबसे पहले PQ की दूरी दिखाई, PQ की दूरी सूत्र में रख के हमारा PQ का मान ये आ गया, फिर हमने PR की दूरी दिखाई, PR का मान हमारा ये आ गया, और हमने जब कहा कि ये दोनों समदूरस्थ है तो PQ बराबर PR, और PQ बराबर PR रखे तो जब हमने बराबर में रखे तो रखा दोनों ओर का वर्ग करने पर, ये लिखी लाइन, दोनों ओर का वर्ग करने पर दोनों का रूट हट गया स्क्वायर से, और जब रूट हट गया ये बराबर से इधर जितने थे इनको इधर ले आए, चिन्ह बदल गए, चिन्ह बदलने पर आपका आ गया माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20, जो जुड़ा जोड़ दिया, जो घटा घटा दिया, और यहां से माइनस का 4 हमने कॉमन ले लिया और अंदर बचा 3x प्लस वाई माइनस 5, तो संबंध क्या आ गया 3x प्लस वाई माइनस 5। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम आपके लिए 7.2 प्रश्नावली शुरू कर देंगे और एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही खास होगी। वो एग्जाम की दृष्टि से खास क्यों होगी, क्योंकि हम आपको उसमें अपना निजी जीवन के बारे में शेयर करेंगे, बताएंगे कि किस प्रकार हमने 10th क्लास का एग्जाम क्लियर किया था और कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कितना आपको पढ़ना चाहिए, कितने समय में कौन सा सब्जेक्ट आप आसानी से कर सकते हो, किस सब्जेक्ट पर आपको अधिक फोकस करने की जरूरत है, कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाता है, तो इस सब के बारे में हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए और 10th क्लास में फुल स्कोर मारिए।